हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं फिर से जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, यानी अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। गाइस, किसी ने मेरे मम्मी से कहा है एक डॉक्टर के बारे में कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ। वो भी ज्ञानू हैं, तो मैं वही डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ। गाइस, कितने सारे डॉक्टर का मैंने चक्कर काटा और फिर मैं काट रही हूँ। तो आप दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो मैं जा रही हूं डॉक्टर के यहां। अल्लाह करे इस डॉक्टर से जो है मेरा मसला हल हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊं। तो गाइज़, रास्ते का व्यू जो है बहुत अच्छा लग रहा, तो मैं ले ली। तो मैं डॉक्टर के यहां का शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे वहां बहुत सारे लोग रहते हैं जो आना पसंद नहीं करते वीडियो में। तो गाइस देखिए, ये डॉक्टर से क्या होता है। अल्लाह शिफा दे दे इस डॉक्टर से, यकीन करके जा रही हूँ। बहुत लोगों का शिफा हुआ है यहाँ से, तो अल्लाह मुझे भी नेक साले औलाद अता कर दे। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला नेक साले औलाद अता कर दे गाइस, और डॉक्टर का चक्कर ना खाना हो। तो गाइस, मैंने डॉक्टर से दिखा लिया है। डॉक्टर ने कहा है कि एक महीने का दवाई दिया है और कुछ टेस्ट लिखा है, तो मैं वो टेस्ट करवा लूँगी और एक महीने की दवाई खाने के बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगी। अल्लाह करे हमें एक महीना में ही शिफा मिल जाए। तो गाइस, वहाँ से आने के बाद, वो डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई पार्क में जाके बैठते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा जो मूड जो है फ्रेश हो जाएगा। आजकल तो जानते ही हो कि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड जो है गए हैं टिकट लेने के लिए और हम लोग नेलबर्न में आए हैं। कोलकाता का नेलबर्न पार्क जो कि नया खुला है, और यहाँ मैं फर्स्ट बार ही आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो ये मैं एंट्री ले रही हूँ यहाँ। हस्बैंड भी चल रहे हैं और वो मैं भी चल रही हूँ, और हम लोग जो है कि आ गए पार्क के अंदर। और ये यहाँ बहुत सारा झील था, आसपास बहुत सारे तालाब थे, और यहाँ जो ग्रीन ग्रीन था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस होने लगा। क्योंकि ग्रीन ग्रीन तो आप जानते ही हो, जो ग्रीन होता है उससे आँखों में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ जो आ गए थे आइसक्रीम लेकर, तो बोले कि तुम आइसक्रीम ले लो, तो मैं डबल चौको। तो गाइस, हम लोग काफ़ी घूम चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से लग गई है भूख। तो चलिए मिलते हैं घर पे। काफ़ी घूमने के बाद मुझे ज़ोरों से लग गई थी भूख, और भूख आजकल ऐसी लगती है मुझे कि बर्दाश्त नहीं होती। अगर मुझे भूख लगी उसे थोड़े देर में मैं नहीं खाती तो मेरा हाथ पांव जो है कांपने लगता है। पता नहीं क्यों, ये कमज़ोरी है या क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ टेस्ट है जो मैं कराऊँगी तो समझ में आएगा। और ये देखिए कितना खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा है, और यहाँ फ्लावर भी उगे हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ घर, और घर जाते ही हस्बैंड ने कहा कि घर नहीं जाना है, चले होटल में खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो पास में घर है, घर चलते हैं, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चलो होटल में खाते हैं और कुछ बातें करेंगे बैठ के। तो मैं जमजम होटल में चली आई थी जो कि मेरे घर के करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हस्बैंड मेरा पूरा ख्याल रखते हैं और मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसा हस्बैंड नवाजे, आमीन। तो गाइज़, मैं होटल में बैठ गई थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे थे होटल में। मैंने बैठ गई और ये देखिए बहुत अच्छा यहाँ का सीन लग रहा था, तो मैंने शूट कर लिया। और जो हैंड वॉश करने गया है हस्बैंड, और साथ ही मैं भी हैंड वॉश कर लूँगी क्योंकि हाथ धोकर खाना सुन्नत होता है और सफाई का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। मैं घर पर भी जब भी खाना खाती हूँ तो हाथ धुलाई करके ही खाती हूँ। और मैं क्या बोल रही हूँ, अक्सर लोग तो हाथ को हैंड वॉश करके ही खाते होंगे। तो गाइज, मैं कॉर्नर में, वो देखिए सफाई हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगी, कॉर्नर में बैठकर खाऊंगी। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। तो वेटर ने कहा कि अभी मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर यहाँ आके आप लोग बैठ जाना। स्टार्टर में चिकन गार्लिक कबाब और क्या, चिकन मलाई कबाब, चटपटी कबाब, चिकन चटपटा कबाब मंगा ले।
भाई चिकन चटपटा कबाब। हस्बैंड ऑर्डर देने लगे थे चिकन चटपटा कबाब, जो तो बोले कि बहुत अच्छा लगेगा खा लो, तो ये देखिए चटपटा कबाब आ गया है। अब मैं क्या बताऊँ, कबाब इतना टेस्टी था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं और यहाँ का चटनी भी बहुत यमी था। तो कबाब खाने के बाद फिर मैं मेन कोर्स खाऊंगी, और कबाब बहुत टेस्टी था। अगर आप लोग कोलकाता में रहते हो तो एक बार जमजम होटल ज़रूर आना, ये चीप एंड बेस्ट होटल है, बहुत अच्छा है। और यहाँ का खाने सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो खाना है बड़े मज़े का होता है। तो कबाब खा ली मैंने, आइए और आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद मेन कोर्स आ गया तो फिर हम लोग ये खाने लगे, और खाने के बाद तंदूरी और कुछ सालन मंगवाए थे, जो कि सालन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और हम लोगों का खाना हो चुका था, हस्बैंड बिरयानी भी मंगवा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरा पेट जो है फुल हो चुका है, अब मैं नहीं खाऊंगी। तो खाना फिनिश हो गया, अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाते ही मैं सो जाऊंगी। तो गाइज यही थी मेरी छोटी सी ब्लॉग।